तो सो फार सो गुड। सो आप लोगों को हीलिंग के बारे में कुछ हद तक आइडिया हो गया, ट्रीटमेंट आपको ऑलरेडी पता ही है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम एनर्जी को समझें और उससे अपनी हीलिंग करें, क्योंकि मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए अब लोग करते हैं। सबसे पहले एनर्जी को समझने के लिए ये मानते हैं, ये जानते हैं कि हमारे अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसका फैलाव, उसका एक्सटेंशन आपके ऑरा में होता है। ऑरा जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, राइट। और हर चीज के चारों तरफ ऑरा होता है, हर चीज के चारों तरफ वो एनर्जी होती है। आपके बॉडी के चारों तरफ भी है, आपके हाथ के चारों तरफ भी है, इस पानी के चारों तरफ भी है, एनर्जी फील्ड सबके चारों तरफ होता है। तो हम इस चीज से क्या जान सकते हैं, इस चीज से हम अपनी एनर्जी को जान सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव उसको ठीक कर सकते हैं और उससे अपनी लाइफ को ठीक करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी को अब हम फील करना चाहते हैं कि सचमुच में होता है तो कैसे हम उसको इजीली फील भी करें और कैसे हम उससे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें। तो इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग आ चुके हैं, प्लीज अपना वीडियो अगर हो सके तो ऑन कर लीजिएगा, सो दैट मैं आपको देख सकूं और जब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊं तो अगर आपसे कुछ गलती हो रही हो तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर सकूं। तो रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं अगर वीडियो ऑन कर सके तो ऑन कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ना सबसे पहले अपने हाथों को रगड़ेंगे, ओके। जब आप अपने हाथों को रगड़ेंगे तो आपके हाथों में एक फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, और एक हाथ के ऊपर दूसरे को घुमाते हुए सिर्फ और सिर्फ भाव करना है कि हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। क्या बोलेंगे? ओ डिवाइन एनर्जी, प्लीज फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स। बाकी आप किसी भी भाषा में बोल सकते हो, ठीक है। डिवाइन एनर्जी मेरे हाथों से बहो बहो, ओके। एंड देन आपका हाथ ऐसे हल्का सा कप शेप में होगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, उसको अगर आप नेचुरल छोड़ दो तो ऐसा होगा। देखो एकदम हल्का, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता। जब आपका कोई एफर्ट नहीं लगता, कोई भी आर्टिफिशियल प्रेशर नहीं है, वो नेचुरल हीलिंग हैंड्स है और यही हाथ आपका ब्लेसिंग हैंड है। जब हम किसी को ब्लेस करते हैं तो बोलेंगे आपका भला हो, यही होता है ना, आपने ध्यान दिया है। तो ये आपका हीलिंग हैंड्स है, देवी देवताओं के हाथ, ऐसे एक हाथ होता है ब्लेसिंग्स का। और आप लोग आज से दोनों हाथ से ब्लेसिंग्स दे सकते हो, खुद को भी ब्लेस कर लो और दूसरों को भी ब्लेस कर लो। इसको टच हीलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? टच हीलिंग, स्पर्श चिकित्सा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि उस एनर्जी को कैसे फील करें। तो सबसे पहले तो आपने एक बार हाथ को रगड़ लिया, रगड़ लीजिए एक बार फिर से, हाथों को रगड़ लिया, आपने इंटेंशन क्रिएट की मेरे हाथ से बहो। अब अपने हाथों को ऐसे पास में ले आओ, इतने पास में जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो ऐसे, और सोचो कि यहाँ हाथों के बीच में कोई एनर्जी है जिसे आप धीरे धीरे खींच रहे हो और दूर लेके जा रहे हो। खींचिए उसको, खींचना शुरू कीजिए, खींचिए खींचिए, सिर्फ खींचिए, एक एक्शन कीजिए, ऐसे ऐसे दूर कर लीजिए और यहां तक जाने के बाद वापस पास लेके आइए, पास लेके आइए, आराम से इधर मुझे देखते हुए करें। हाँ ठीक है, पास लेके आए, उसके बाद फिर से इसको दूर लेके जाए, दूर लेके जाए, राइट। अब आंख बंद करना, हाथों को दूर लेके जाए, जितना देर दूर लेके जा सकते हो। देखिए मैंने कितना किया, यहां तक हाथ किया हुआ है, आप भी दूर तक ले जाओ, आंख बंद कर लो, क्लोज योर आईज, एवरी वन क्लोज योर आईज, आराम से आंख बंद करो, एक डीप ब्रीदिंग कर लो, आंख बंद करके लंबी गहरी सांस ले लो और धीरे धीरे दोनों हाथ को एक दूसरे की तरफ करते हुए धीरे धीरे पास लेके आओ। आंख बंद रखो, एक एक इंच, एक एक इंच आगे पीछे करते हुए हाथ को धीरे धीरे पास लाओ। और आपको ये फील करना है कि जब एक हाथ का ऑरा दूसरे हाथ के ऑरा से कहीं बीच में टकराएगा तो आपको एक एनर्जी फील्ड महसूस होगा। थोड़ा सा पास लेके आइए, टच कर लीजिए और फिर से आंख बंद रखते हुए दूर लेके जाओ, फिर से हाथ को दूर ले जाओ, फिर हाथ को दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, हाथ को दूर ले जाओ। नाउ एकदम लंबी गहरी सांस, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लो और एकदम आराम से धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ लाते हुए फील करो कि कहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पुल या पुश या रिपल्सन फील हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी फील हो रहा है, कोई हल्का सा आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, रिपल्सन फील हो रहा है, कुछ भी आपको कुछ लगे, कुछ हैवीनेस है, कुछ बलून जैसी चीज है,
कोई स्पंज जैसी नरम नरम कोई चीज हाथों के बीच में है, बस रुक जाना, वहीं पे रुक जाओ और आंख खोलो और खोल के देखो कि हाथों के बीच में कितना डिस्टेंस है, एंड लिख के बताओ कि आपको कितने इंचेस में फील हुआ। जस्ट एक छोटा सा डेमो है और उसी को अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे। पहले हमें सिर्फ पता करना है कि कहाँ पे आपको फील हुआ। फील होना ये जरूरी पार्ट है क्योंकि आप अभी शुरू कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी है, एनर्जी है तो फील होना चाहिए। नहीं हो रहा है आपको, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है, हाथों को रगड़ना है एंड दोनों हाथों को लेकर पास लेके, राइट, 5 to 6 inch, फेयर इनफ। सभी लोग लिख के बताएं। 6 फीट तक स्वप्ना रानी को फील हुआ। स्वप्ना रानी तो पहले से ही हीलर है लगता है ना? स्वप्ना रानी तो पहले से हीलर है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, गुड, ओके। तो उनका तो 6 फीट तक जा रहा है, ठीक है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस पार्ट इन इंग्लिश, सुहा प्रिया। ओके सुहा, जस्ट यू व्हाट यू हैव टू रब बोथ ऑफ योर पाम्स विथ इच अदर, ओके, एंड जस्ट मेक एन स्टेटमेंट और एन इंटेंशन दैट ओ डिवाइन एनर्जी फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से ऐसे घुमाना, ओके। एंड देन जब आप ऐसा घुमाएंगे तो उसके बाद अपने हाथ को ऐसे कप शेप में ले लीजिए, ओके, एंड टेक बोथ ऑफ योर हैंड्स अवे फ्रॉम ईच अदर लाइक दिस, एंड ब्रिंग बोथ ऑफ योर पाम्स टू ईच अदर स्लोली 1 inch एट ए टाइम। क्लोज योर आइज, ओके, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट डूइंग इट स्लोली, ओके। ब्रिंग बोथ ऑफ योर पाम्स 1 inch एट ए टाइम स्लोली टूवर्ड्स ईच अदर, एंड देन यू विल फील समथिंग इज देयर इन बिटवीन योर एनर्जी पाम्स विच इज कॉल्ड एनर्जी फील्ड, एंड वेन यू फील दैट तो यू हैव टू ओपन योर आइज एंड सी द डिस्टेंस बिटवीन टू हैंड्स, एंड यू हैव टू राइट हाउ मच हाउ यू नो हाउ वेल यू एक्चुअली फेल्ट इट एंड हाउ हाउ मच इंचेस यू फेल्ट इट, राइट। तो यू हैव टू राइट दैट, ओके ओके सुहा, डिड यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट? ओके ठीक है निशी, ओके सुहा, सो डू इट, ओके, एवरीवन विल डू इट नाउ। जिन्होंने भी पहली बार फील किया, हू एवर फेल्ट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू फेल्ट। क्या आपको कोई हवा जैसी चीज थी, कोई बलून जैसा चीज था, कोई मैग्नेट जैसा कुछ था, कुछ अट्रैक्शन था, रिपल्सन था? एक वर्ड में लिख के बताएं एग्जैक्टली क्या फील किया आपने, ओके, क्योंकि आपने फील किया मैग्नेटिक पावर फील किया सुहा, दैट्स ग्रेट, ओके। सभी लोग लिख के बताएं, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। 1999 रेकी मास्टर, आई एम ग्लैड, आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप मेरे क्लास में बैठे हो। थैंक यू सो मच, रेकी मास्टर है मेरे क्लास में बैठे हैं, ग्लैड, ओके, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। नाउ रिपल्सन फील हुआ, मैग्नेट जैसा लगा, 6 inches तक फील हुआ, ठीक है, लाइक ए बॉल, ओके। तो जो जो प्रज्ञा ने लाइक ए बॉल बोला है, नाउ आप इसे बोलोगे एनर्जी बॉल, ओके, या फिर इसको बोलेंगे ची बॉल, ओके। सो ये जो एनर्जी बॉल है वो आपने फील किया है, और ये आपका बेसिक एनर्जी है जो आपके अंदर है। रेकी नहीं है, रेकी अलग है, रेकी के लिए अलग ही प्रोसेस होता है, लेकिन आपको समझाना है विदाउट रेकी तो मैंने आपको एक बेसिक सिस्टम बताया, ठीक है, फेयर इनफ। ना अब आते हैं कि हम इससे कैसे फायदा उठाएं अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, ठीक है। क्या मैंने सबसे पहले किस बारे में बात किया था कि हमें अपने अंदर की उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है जिससे ही हमारी लाइफ में वो सब कुछ आता है जो एक्चुअली हम अपने लाइफ में चाहते हैं। व्हाट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम यूनिवर्स, यू हैव टू क्रिएट द इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट थिंग, दैट सिचुएशन इनसाइड यू फर्स्ट। जब ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है देन यू बिकम अ पॉजिटिव मैग्नेट एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स एंड सिचुएशंस इन योर लाइफ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लिखिएगा LOA इन द चैट, ओके। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने ये सीखा। अब मैं आपको इस एनर्जी बॉल को, ये जो अभी अभी हमने एनर्जी बॉल फील किया, इसी को लेकर एक एक्सरसाइज करवाऊंगा और आप अभी अभी लव मैग्नेट बनेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है लव मैग्नेट बनने का? जब आप लव मैग्नेट बनेंगे तो आप अपने घर में अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपनी सास, अपनी देवरानी, अपनी जेठानी, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना पाएंगे, बिकॉज आपके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स, एक लव और हैप्पीनेस की एनर्जी निकलेगी और वो लोग उसे फील कर पाएंगे।
कितने लोग मानते हैं कि अगर आप घर में इस टाइप की हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी और पीस का एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो घर में शांति और खुशी मिलेगी। लिखिएगा यस इन द चैट बॉक्स, लिखिए, वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, मैं अभी करवा रहा हूं, अभी 1 घंटा और बाकी है, डोंट वरी, ठीक है, लिखिएगा, ओके। और सेम एनर्जी के साथ जो लोग काम करने जाते हैं, कल आप अपने घर छोड़ के ऑफिस की तरफ जाओगे, अपने दुकान, अपने बिजनेस की तरफ जाओगे, तो रास्ते में भी लोग मिलेंगे, राइट? और आपका ऑरा तो आपके साथ ही जाएगा, जिसको हम लोग अभी लव मैग्नेट बना रहे, तो क्या सामने वाले को ही पॉजिटिव फील होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे? और जब आप ऑफिस में जाओगे, कलीग्स हैं, बॉस हैं, अप्रिशिएट करेंगे वो, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी है, बोलेंगे वाओ यू आर लुकिंग गुड नाउ, सो फ्रेश, सो एनर्जेटिक, सो पॉजिटिव, राइट? एंड देन जो भी काम करेंगे सक्सेसफुल होगा। सो यहाँ पे वाइब्स चेंज करने की जरूरत है। कितने लोग समझ पा रहे हैं वाइब्स? कितने लोग यहाँ पर अभी बैठे, 1 घंटा हो गया, मुझसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि नेगेटिव वाइब्स? लिखिएगा NV और PV इन द चैट बॉक्स। मुझसे अभी तक 1 घंटा हो गया, 9 बज गए हैं, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि नेगेटिव वाइब्स आ रही है? टाइप कीजिएगा। और क्या मैं बहुत जोर जोर से हंस रहा हूँ? क्या मैं जोक सुना रहा हूँ? क्या मैं आपको एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, राइट? लेकिन उसके बावजूद भी आपको मुझसे पॉजिटिव वाइब्स क्यों आए? क्योंकि पिछले 1 घंटे से मेरा सिर्फ एक ही फोकस है, आपका प्रॉब्लम, आपकी नेगेटिविटी, आपकी दिक्कत, उसे कैसे ठीक करना है, और मैं वो आपको करवा रहा हूं। अभी अभी आपने एनर्जी फील किया, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको भी पॉजिटिव वाइब्स देने का। वेरी नाउ, अब हम उसको पॉजिटिव वाइब्स की तरफ आते हैं, ठीक है ना? अब जब आप लव मैग्नेट बनेंगे, कल से मतलब आज से ही शुरू हो रहा है आपका प्रोसेस, और अगले 1 हफ्ते तक एक पूरा प्रोसेस होगा, लव मैग्नेट का एक पूरा प्रोसेस 1 हफ्ते का रहेगा, कोर्स रहेगा, जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करेंगे और आप लव मैग्नेट बनते हुए महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक? और दूसरा, जो लव मैग्नेट अभी कराऊंगा, इसका एक ऑडियो दे दूंगा रिकॉर्डिंग, कल से आप डेली सुबह सुबह करेंगे और देखना है कि दिन पूरा कैसा दिखता है, और हम डेली फीडबैक लेंगे, और डेली अलग अलग पूजा कोठारी बोल रहे हैं कि रिपीट द लव मैग्नेट। सी, लव मैग्नेट का सिंपल फंडा है, जो हमें यूनिवर्स से चाहिए वही हमें अंदर क्रिएट करना है। हमें क्या चाहिए होता है? भाई घर में भी लव मिले, रेस्पेक्ट मिले, चाहते हो ना? पड़ोसी भी आपकी इज्जत करे, यही तो चाहते हो? ऑफिस में क्या चाहिए? अप्रिसिएशन चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, प्रमोट करोगे, राइट? पूजा कोठारी, एवरीथिंग कैनॉट बी एक्सप्लेन इन इंग्लिश, थोड़ी बहुत आपको समझनी चाहिए। ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका जॉर्जिया, खुशी इज अटेंडिंग अगैन, खुशी इज अंडरस्टैंडिंग हिंदी प्रॉपरली। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हिंदी तो समझ में आनी चाहिए, राइट? लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हो, तो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट यू हैव टू क्रिएट दैट पॉजिटिव एनर्जी इन साइड यू, सो दैट योर ऑरा इज चार्ज विद दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव वाइब्स, देन यू बिकम अ लव मैग्नेट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ। ओके, समझ में आया आपको? यस बोलिएगा, क्योंकि सभी मैं पूरा इंग्लिश में बोलूंगा तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। ओके प्रीति, ठीक है, इतना समझ में आया? लिखिएगा यस इन द चैट बॉक्स। डिड यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट इंग्लिश जो मैं बोल रहा हूँ? यस और नो इन द चैट बॉक्स, राइट? आप लोग समझ पाना चाहिए, ठीक है? थैंक यू सर, ठीक है, राइट, ओके, नाउ थैंक यू। नाउ अब मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ, सिंपल आपको क्या करना है, इंटरनली वो एनर्जी फ्रिक्वेंसी चेंज करने के लिए एक पॉजिटिव थॉट्स लेके आना, वो भी मैं दूंगा, पॉजिटिव फीलिंग्स लेके आना, वो मैं क्रिएट कराऊंगा, और एक पॉजिटिव बिलीफ बनेगा, यस हमारी एनर्जी चेंज हो सकती है। और कैसे होगा? अभी होगा, ठीक है? तो क्या आप लोग मेरे साथ हो? क्या अभी लव मैग्नेट बनने का प्रोसेस शुरू करें, और 10 मिनट में हम लव मैग्नेट बने ऐसा देखना चाहते हो, तो प्लीज लिखिएगा लव मैग्नेट के लिए LM इन द चैट। अभी अभी करें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये लाइव एक्सपीरियंस अभी करें, और जो लोग भी बनना चाहते हैं, रिक्वेस्ट वही है, वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है? मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ, तो कर लीजिए, ठीक है? अभी मैं आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूंगा, प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है? जो फ्री में हो सकता कर लेना, ठीक है? हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ओके? प्रज्ञा समझ रही है, बोलिए कि सर बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट प्रज्ञा? थैंक यू सो मच, ओके। सो समझते हैं, कई सारे लोग समझते हैं, और कई सारे लोग बहुत सारे दिमाग में लेके चलते हैं, पता नहीं क्या होने वाला, पता नहीं क्या सर मांग लेंगे, राइट? चिंता मत करो, वीडियो ऑन करो, सिर्फ वीडियो ऑन करने से मैं आपको देख पाऊंगा, क्योंकि अभी आपकी आंखें बंद होंगी और आपको कुछ करना है, तो मैं चेक कर पाऊंगा आप सही कर रहे हो कि नहीं, ठीक है? इंपॉर्टेंट समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड?
द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग लव मैग्नेट, देन प्लीज स्टार्ट योर वीडियो इफ एट ऑल यू आर कंफर्टेबल. ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है डजंट मैटर. चलो अब हम शुरू करते हैं. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मैं आपको आपके कुछ पास्ट में लेके जाऊंगा और उस पास्ट में से आपको कुछ अच्छी मेमोरीज अट्रैक्ट करना है, मेमोरीज को याद करना है, और वहीं से आपके अंदर वो लव और हैप्पीनेस की एनर्जी क्रिएट करवाऊंगा और वही आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट करेगा. क्योंकि जो हम अंदर फील करते हैं वही तो बाहर ऑरा में होता है. ये तो समझ में आ गया सबको? ठीक है, अभी चूंकि आप खुद नेगेटिविटी में है, दिक्कत में है, बीमारी में है, तो आप वो फील नहीं कर पा रहे हो, वो क्रिएट नहीं कर पा रहे. तो एक कोच का काम क्या है? कोच वो आपसे करवा लेगा और आपको रिजल्ट मिलना चाहिए. कोच का यही काम है. आपका एज ए कोच ही क्या काम रहेगा? भाई मुझे फॉलो करो, दिमाग ना लगाओ. ठीक है, साइंस मैंने समझा दिया, अब आप बिल्कुल मुझे फॉलो करना. ठीक है ना, आंखें बंद करने से पहले देख लो, मैं बोलूंगा कि हाथों को रगड़ लो तो सभी लोग हाथ को रगड़ लेंगे. अभी एक बार करके दिखाओ मुझे, सिर्फ हाथ को रगड़ लो तो हाथ को रगड़ लो. ठीक है, अपने हाथ को ऐसे ऐसे रख लो अपने कंधे के बराबर. मैं बोलूंगा कि शोल्डर विथ अपार्ट अपने हाथ को रख लो, तो अपना हाथ कहाँ पे रख रहे हो? कंधे के सामने रख रहे हो, अपने चेहरे के सामने रख रहे हो, और आपके जो एल्बोज हैं वो आपके बॉडी से टच हो जाएगा. ठीक है, आपके एल्बोज टच है बॉडी में और आपके दोनों हाथ अभी खड़ा है, स्टैंड है. ठीक है, और जब आप ऐसा हाथ खड़ा करके रखेंगे बॉडी से टच करके, तो आपके हाथ में दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए हाथ ऐसे रखवाऊंगा. तो अगर आप ऐसे रखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको थोड़ी देर रखने नहीं देगा, क्योंकि आपको बॉडी में आपके हाथ में दर्द होगा. तो मैंने क्या टेक्निक बनाया कि बॉडी से टच करके खड़ा करें. ठीक है, क्या फिर ना, और उसके बाद बाकी मैं करवा लूंगा. अब हाथ नीचे कर, सभी लोग हाथ को नीचे कर लीजिए. थैंक यू सो मच. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, 10 मिनट में लव मैग्नेट बन रहे हैं, कि सचमुच में जो अंदर हम क्रिएट करते हैं क्या ऑरा में होता है, क्या ऑरा बढ़ता है. और जब मैं बोलूं कि आपका ऑरा बढ़ रहा है और आप हाथ को धीरे धीरे एक्सपैंड करो, तो करते जाना, दिमाग मत लगाना नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका हाथ एक्चुअली में अपने आप ही खुलने लगेगा, और उसे खुलने देना. यहाँ 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 पूरा हाथ पूरा शाहरुख खान बन जाना, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, हाथ पूरा जाने देना अगर वो जा रहा है. मेनली हम ऑरा को एक्सपैंड कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं लव और हैप्पीनेस की एनर्जी से. ग्रेट, हो गया, सबको समझ में आया ना? आराम से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधा करें एंड क्लोज योर आइज. एवरीवन क्लोज योर आइज नाउ. सभी लोग आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधा, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़ दीजिए. और अब अपने ही पास्ट में जाइए. ठीक है, पास्ट में जाकर अपनी लाइफ में, चाहे वो 1 महीने पहले हो, चाहे वो 1 साल पहले हो, चाहे वो 20 30 40 साल पुरानी बात हो, सोचे देखे और महसूस करें, आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान रहे हैं क्या जो आपको बहुत प्यार करते थे या करते हैं? जब से ज्यादा प्यार करने वाले इंसान को याद करें, चाहे वो कोई भी हो, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, एनीबॉडी जो आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा आपने पास्ट में फील किया. और वो कभी भी हो सकता है, चाहे तो बचपन में पहुंचे हो. ठीक है, एक लंबी गहरी सांस लीजिए. अपने पास्ट में से वो एक स्वीट मेमोरी निकाल के लाइए, जब आप उनके साथ हैं, वो आपको कुछ खिला रहे हैं, कुछ आपके साथ खेल रहे हैं, आपको कुछ प्यार कर रहे हैं, आपके साथ कहीं जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है. जो भी आपको एक स्वीट मेमोरी में अब तक स्टोर्ड है, उस मेमोरी तक पहुंचे हैं और उनके साथ बिताए हुए उस पल को, उस स्वीट मेमोरी को अभी चेरिश कीजिए, याद कीजिए. और जब आप उन्हें याद कर रहे हो, तो अपने हाथों को रगड़ना शुरू करें, उनको दिमाग में याद करते रहिए. हाँ ऐसा हुआ था, ओके, उन्होंने बहुत प्यार किया था, वो तो बहुत प्यार करते हैं, करते थे, कुछ भी याद किया. हाथों को रगड़ने के बाद और अपने हाथों को कंधे के बराबर फैला लो, जैसे मैंने कहा था 6 से 8 इंच के ऊपर, अपने एल्बोज को बॉडी से टच कर लो, आपका हाथ सामने बस खुला हुआ है. अब आप कल्पना करो कि आपके हाथों से व्हाइट कलर की हीलिंग एनर्जी निकल रही है और हाथों के बीच में एक गोल अंडाकार या गोलाकार एक एनर्जी बॉल बन रहा है. एक एनर्जी बॉल है जिसे आप हल्का सा आगे पीछे करके
स्पंज की तरह फील कर सकते हो, बलून की तरह, और वो एनर्जी बॉल के अंदर से आपको लाइट निकलते हुए महसूस हो रही है। देखिए आपके हाथों के बीच में एक एक रोशनी है, रोशनी का एक गोला है, और उस रोशनी में, उस लाइट में, अब आप उस चेहरे की कल्पना करो जिसको अभी अभी आप याद कर रहे थे। देखिए उनका चेहरा आपके दोनों हाथों के बीच में उस एनर्जी बॉल के अंदर है। देखिए तो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है आपको, उनकी आंखों में आपको बहुत सारा प्यार दिख रहा है, वो आपको ही देख रहे हैं। देखो कितने पास से वो देख रहे हैं आपको, टुक 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 देखे जा रहे हैं, और जो देख रहे हैं ना, बहुत ही इनोसेंट सा, बहुत ही अनकंडीशनल लव है उनके आंखों में आपके लिए, और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर एक बहुत खुशी नजर आ रही है आपके साथ रहते हुए, आपको देखते हुए। और जब आप उन्हें देख रहे हो तो आपको भी दिल में, अपने दिल में बहुत सारा प्यार महसूस हो रहा है। आपके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ रही है, उनको देख रहे हो ना स्माइल करते हुए, आप भी स्माइल लेके आओ, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अंदर हमें वही एनर्जी क्रिएट करनी है, तभी तो वो एनर्जी बाहर होगी। तो आप स्माइल भी कर रहे हो, हैप्पी भी फील कर रहे हो, आप वो पर्टिकुलर लव को भी फील कर रहे हो, अपने हाथ को थोड़ा सा आगे पीछे करके उस एनर्जी को फील करते रहो, एंड देन 1 इंच बाहर की तरफ खोल दो, 1 इंच बाहर की तरफ खोल लो, और देखो कि वो एनर्जी बॉल भी एक्सपैंड हो गया। सिर्फ कल्पना करो, देखो एनर्जी बॉल बड़ा हो गया, ठीक, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ 1 इंच और फैला दो, फैलाते रहो, आगे पीछे करते रहो, 1 इंच फैलाओ, और देखो कि ऑरा आपका बड़ा हो गया, 1 इंच और फैला दो, ये जो ऑरा है आपका और बड़ा हो रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में प्यार, उन्हें याद करते रहो, और धीरे धीरे एक एक इंच करते हुए हाथ को बाहर की तरफ जाने दो, और फिर आप महसूस करोगे कि आपका हाथ अब ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ जैसे खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। खुलने दीजिए उनको, जहां तक, रोके मत, रोकेंगे तो रुक जाएगा, जाने दीजिए, क्योंकि आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है, आपके अंदर वो लव और हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी बन रही है, और वही आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आपका हाथ खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। और जब आपको पूरा खुलते हुए महसूस हो तो अपना आंख खोल लीजिए, दोनों हाथों को देख लीजिए कि आपका हाथ कहाँ तक गया है, और उस डिस्टेंस को सिर्फ लिख के बताएं कि कितने इंचेस में या कितने फीट तक महसूस किया। मेरे केस में मैंने 5 फीट तक महसूस किया, आपके केस में कितने फीट तक हाथ गया था, वट एवर आपने जो फील किया वो आपने लिखना है, टाइप इन द चैट बॉक्स, अंदाजन, ओके, कोई नापना नहीं, आप स्केल लेने मत चले जाना, ठीक है, अंदाजन, अंदाज में कितना है लिखेंगे सभी लोग, राइट। आई एम रियली हैप्पी कि एक बहुत ही प्यारी ऑडियंस मेरे साथ बैठी हुई है, और बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव स्माइल है प्रज्ञा का। आई एम रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपकी बहुत प्यारी स्माइल है। आई रियली बिलीव कि आपने बहुत अच्छा विजुलाइजेशन किया, बहुत अच्छे से उस मेमोरी को चेरिश किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। आई होप कि आपको रियली वो लव फील हुआ, राइट, आपको वो रियली हैप्पीनेस फील हुआ जो आपके अभी भी स्माइल में आ रहा है, ऐसे कीजिए थम्स अप, रियली, राइट, यू फेल्ट इट, यू फेल्ट इट, एक हार्ट दे देना वहां पे, ठीक है, स्माइली बना देना अपने चैट में, ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस, ओके। सो ये रिजल्ट मैं देखना चाहता हूँ सब में, इस अभी तो इंस्टेंटली तो चलो प्रज्ञा ऐसा फील कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ अगले 1 वीक तक, जिन्होंने अच्छे से फील नहीं किया, अगले 1 वीक तक मैं आपको ट्रेन करूँ, डेली आपको कुछ एक्टिविटीज दूँ, कुछ प्रैक्टिस कराऊँ, और आपकी लाइफ में रियली स्माइल आना चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस 1 वीक मैं चाहूंगा कि सभी लोग प्रज्ञा की तरह मुस्कुरा रहे, दिल से मुस्कुराओ। वो जब तक आप इंटरनली उस चीज को फील नहीं करोगे ना, तब तक वो बाहर आपको नहीं मिलेगा ऑरा में, और बाहर आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना प्लीज। आप खुद दुखी हो, गुस्सा है, इरिटेशन है, परेशान हो, और फिर बोलते हो कि सामने वाला मुझे प्यार नहीं कर रहा, सामने वाला मुझे इज्जत नहीं कर रहा, नहीं मिलेगा, नियम ही नहीं है ऐसा, कोई कानून नहीं है, जो आप दोगे वही आप पाओगे। तो स्टार्ट गिविंग पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, स्माइल, लव, देन यू आर गोइंग टू रिसीव दोज इन अबंडेंस। यही नियम है, लेकिन अपने आप होगा क्या? नहीं होगा, सिर्फ मेरे क्लास अभी 1 घंटे में हो जाएगा, नहीं होगा। क्या करना है? एक प्रैक्टिस से शुरू करनी है, ये आपके एक आदत बननी चाहिए, एक दिन करने से नहीं होगा, डेली प्रैक्टिस करना है, तो ये आपका एक नेचर बन जाएगा, इज दैट ओके? तो जो अभी आप लोगों ने फील किया सभी लोग लिख के बताएंगे, ठीक है, क्या लिख के बताएंगे?
लिख के ये बताना है कि आपने क्या सचमुच में उस लव को फील किया, कितने लोगों ने फील किया, लिखिएगा लव इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों ने रियली उस लव को फील किया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लिखिएगा लव इन द चैट बॉक्स, राइट। कितने लोगों ने वो हैप्पीनेस रियली फील किया, उस मेमोरी में गए, हैप्पी थे, भले अभी आप जितने भी दुखी हो उस समय थे ना, हैप्पी फील किया, लिखिएगा, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग दैट फ्रीक्वेंसी जस्ट नाउ, ओके। तो वो हैप्पी लिखिएगा, हैप्पी इन द चैट बॉक्स, राइट। और कितनों को चेहरे पर, कितनों के चेहरे पर रियली में प्रज्ञा की तरह स्माइल आया, लिखिएगा स्माइल इन द चैट बॉक्स, ओके। क्योंकि जब तक आप फिजिकली उस चीज को करेंगे नहीं, वो एक्चुअली मैनिफेस्ट नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। बिकॉज मोशन क्रिएट्स इमोशन, व्हाट, मोशन क्रिएट्स इमोशन। तो आपको अगर इमोशन क्रिएट करना, मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब से मैंने ये क्लास शुरू किया है 8 बजे से लेकर अब तक, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअली आपको ये बता रहा हूं कि आपको अपने थॉट्स को चेंज करके इमोशन को चेंज करना है। व्हाई, क्या बताया मैंने, यूनिवर्स ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ योर इमोशन एंड द फ्रीक्वेंसी क्रिएटेड देयर ऑफ। जो भी आप फील करते हो उस फीलिंग के साथ आपकी एक फ्रीक्वेंसी बनती है। और मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे लव चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, यही तो चाहिए मुझे, अप्रिशिएशन चाहिए, तो पहले वो क्रिएट करूंगा तभी तो मिलेगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा। एंड दैट ओनली मैटर्स, हमें क्या लगता है, पहले वो प्यार करे, पहले वो रेस्पेक्ट करे, पहले वो अप्रिशिएट करे, नहीं होगा, नियम ही गलत है, इसीलिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो। वाई, बिकॉज हम सोचते हैं कि पहले वो दे तब, नहीं होगा। प्रकृति का नियम, ब्रह्मांड का क्या नियम है, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। और यहाँ पे निशा, यस इट इज सेल्फ लव, यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, यू स्टार्ट दैट एनर्जी इन साइड एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप पूरी दुनिया को प्यार करने न मत निकल पड़ो, पहले वो अंदर क्रिएट करो, उसे फील करो एंड बोलो कि यस आई डिजर्व दिस लव, आई डिजर्व लव, आई लव माई सेल्फ, एंड देन ओनली पीपल आर गोइंग टू लव यू। क्योंकि जब तक आप खुद को प्यार नहीं कर रहे, जब आप खुद अंदर से प्यार से भरे नहीं हो, तो आपसे बाहर कहां से लव निकलेगा, कैसे लोग आपको लव लव करेंगे, आपका ऑरा ही नेगेटिवली चार्ज है, राइट। इसीलिए अब क्या करना है सैमी, डोंट वरी, अब क्या करना है, आज से हम अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, इंटरनल इंजीनियरिंग करके रेकी एंड माइंड पावर हीलिंग सिस्टम से। फिलहाल अगले एक हफ्ते में मैं आपको कुछ बेसिक हीलिंग टेक्निक, इजीली करने लायक चीजें करवाऊंगा, जो मैं लाइव क्लास में आके करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं सिखाऊंगा कि कैसे एक ऑर्डिनरी ग्लास ऑफ वाटर आपकी मेंटल इमोशनल फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज करेगा, सो दैट आपका पूरा दिन अच्छा बीते। ओनली ग्लास ऑफ वाटर आई एम टॉकिंग, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, यस निशा, हम लोग इसे कल प्रैक्टिकल करेंगे। कल रात के 8 बजे जब हम क्लास में बैठेंगे, तो आधे घंटे का हम लोग ये टेक्निक करेंगे जो मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा, आधे घंटे से लेकर 1 घंटा मैक्सिमम क्लास करेंगे, ये लाइव होगा। और प्लस इसी चीज को मैं रिकॉर्डिंग में भी आपको दूंगा, सो दैट आप रिकॉर्डिंग में अपने टाइम पे भी देख सको, लेकिन लाइव करने से आप मेरे साथ उसे कर पाओगे, और लाइव करने का मजा ही कुछ और है। कितने लोग मानते हैं लाइव में एक्चुअली मजा आ रहा है, इंटरेक्टिव हो रहा है, और आप इसे कर रहे हो, यस लिखिएगा इन द चैट बॉक्स, राइट। प्रैक्टिकली करने से आप कर पाओगे, जब मैं करवाऊंगा तो आप करोगे, और करोगे तो रिजल्ट मिला ना, देखो आप इतने लोगों को रिजल्ट मिला, ओके। और ये आज एक ही दिन में खत्म नहीं हो जाएगा, इसको आपने कंटिन्यू कर, एक प्रोसेस है, अगला एक हफ्ता तो मैं आपको पूरा प्रोसेस करा रहा हूँ। आज हो गया, कल भी क्लास है, वेडनेसडे को भी क्लास है, थर्सडे को क्लास है, लाइक वाइज ये पूरा क्लास होगा अप टू फ्राइडे, 5 डेज का पूरा क्लास है, सैटरडे संडे भी क्लासेस होगी, बट 5 डेज का मेन कोर्स होगा जिसमें आप ये सब कुछ डेली प्रैक्टिस करेंगे, लाइव भी होगा एंड मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा। इज दैट ओके, सबको समझ में आया, ओके। नाउ कितने लोग एक्चुअली मानने लगे हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, फायदा होगा, सर से तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि अच्छा सीखने को मिलेगा और यहाँ पे फायदा हो सकता है, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कि भाई मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर लो, कनेक्ट हो जाओ अपने नाम के साथ, ठीक है। सभी लोग,
सभी लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे एक बार, हेलो आई एम सो एंड सो, व्हाट्सएप अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर देना। क्या फायदा होगा इससे? इससे मैं भी आपसे पर्सनली कनेक्ट हो जाऊंगा, आपको अपने कम्युनिटी से कनेक्ट कर दूंगा, और जो अब लाइव क्लासेस होगी उसका आपको इन्विटेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो, मेरा नाम लिख लो, डॉक्टर पूरन शर्मा, रेकी कोच, लाइफ कोच, होलिस्टिक कोच, जो आपका लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, सो दैट आपको याद रहे। क्या नाम है मेरा? डॉक्टर पूरन शर्मा। ठीक है, इसी नाम से आप मेरा यूट्यूब चैनल भी ढूंढ सकते हो, आप उसे प्लीज एक बार जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? पूरन शर्मा। क्या नाम है मेरा? पूरन शर्मा। तो यूट्यूब में डॉक्टर पूरन शर्मा लिखेंगे तो मेरा चैनल मिलेगा, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जहां आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ वीडियो शॉर्ट्स मिलते रहेंगे। ओके, इंस्टाग्राम में भी आप जा सकते हैं। ओके, इंस्टाग्राम में जाएंगे तो कोच पूरन नाम से आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिलेगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर लेना। क्या फायदा होगा? एज इट इज हम दुनिया भर के रील्स देख ही रहे हैं लोगों का, है ना, फालतू की इंफॉर्मेशन है, फालतू की बातें हैं, ये हो गया वो हो गया, ये खरीद लो वो खरीद लो। यहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी सिर्फ 1 मिनट में, 1 मिनट का रील्स देखने के लिए। कोच पूरन को भी, कोच पूरन 7 को भी आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, फेयर इनफ, राइट? व्हाट्सएप कर दिया हो तो व्हाट्सएप करके मुझे बता देना, और जिन्होंने कोच पूरन 7 को भी फॉलो कर लिया तो फॉलो करके मुझे बताओ। अभी अपने फोन में देखिए, इंस्टाग्राम को क्लिक कीजिए, कोच पूरन 7 लिखिए और जस्ट फॉलो का बटन दबा लीजिए। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ये मुझे मेरे फायदे का है, क्योंकि इससे फॉलोअर्स मेरे बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को फायदा हो सकता है, और कल जाके आपको भी डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे। ठीक है, ठीक है, सो आप क्या करें, मुझे इंस्टाग्राम में एक बार फॉलो। सबको समझ में आ रहा है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, किसी ने किया सब्सक्राइब? सब्सक्राइब कर लिया किस किस ने? यूट्यूब में लिखिएगा एस इन द चैट बॉक्स, कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, अगर अभी तक समझ में आया तो आगे 10 मिनट का एक हीलिंग भी करवाने वाला हूँ। 10 मिनट में आपकी नेगेटिविटी, एंजाइटी, फियर या पेन को ठीक करके दिखाऊंगा, 10 मिनट का, आज ही करवाऊंगा, अभी थोड़ी देर में। तो प्लीज एक बार YouTube में जाइए, डॉक्टर पूरन शर्मा लिखकर सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो। ठीक है, हाँ, 23,600 फॉलोअर्स ओनली है, उसी को फॉलो करना। ओके, क्योंकि अब मैं उस पर काम करने लगा हूं, अब जाके थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ, पहले मैं सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था, अब मैं इस पर काम कर, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। मेरा चेहरा तो दिख ही रहा होगा वहां पे, है ना, तो यही चेहरा वहां पे है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना। फेयर इनफ, सबको समझ में आया? एंड देन अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन नाम का ऐप भी इंस्टॉल कर लेना, एंड वहां पर भी आपको कई सारी जानकारी मिलेगी, कुछ फ्री कोर्सेज भी मिल सकते हैं, तो इंस्टॉल करके रखना। जहां आपके हजारों ऐप है तो ये भी एक ऐप इंस्टॉल होकर आपके फोन में रह जाएगा, आपको फायदा होगा। रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन। ओके, तो इस ऐप को भी आप चाहे तो चेकआउट कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, राइट? ठीक है, और इसी नाम से आपको मेरे यूट्यूब चैनल में भी दिखाई देगा, रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन लिखा हुआ। ये मेरा खुद का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, मेरा इंस्टीट्यूट है, रेकी ब्लेस यू फाउंडेशन। ठीक है, फाइन ना? ओके, सभी लोग हैं मेरे साथ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू विथ मी टिल नाउ? सीखना चाह रहे हैं आप मुझसे कुछ ना कुछ, राइट? मेनली क्या सिखाता हूँ, क्या सिखाता हूँ? रेकी हीलिंग सिस्टम। ओके, क्या होता है रेकी हीलिंग सिस्टम? रेकी हीलिंग सिस्टम एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, जिसमें आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ जब उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो वो आपके हाथों से बहने लगती है, जिसको क्या बोलते हैं, रेकी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। ये आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं है, इससे आपको कनेक्ट किया जाता है, और एक खास प्रोसेस होता है जिसको अट्यूनमेंट बोलते हैं, जो मैं बताऊंगा। रेकी एक जापानीज एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, लेकिन इसका जो बेस है, रूट है, वो इंडिया ही है, हजारों साल से हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर मकाउसुई ने इसे इजी बनाकर आप तक पहुंचाया। ठीक है,
क्या काम करता है, ये आपके स्ट्रेस को रिडक्शन करता है और रिलैक्सेशन देता है, और मेनली आपके अंदर की हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आपको हील होने देता है। ओके, सो हीलिंग आप अपने आप होते हो, रेकी एक बेस बनाता है कि आप हीलिंग कर सको। ठीक है, कैसे काम करता है ये, आपके एनर्जी सेंटर्स जिसको हम चक्रा बोलेंगे, चक्रों को ये बैलेंस करता है। ओके, और जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो उस यूनिवर्सल एनर्जी रेकी को अपने हाथों से बहाते हैं, उसी से अपने आप की सेल्फ हीलिंग करते हैं और उसी से दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। क्या क्या होगा इससे, आपका फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हीलिंग होती है और आप आगे जाकर अपने रिलेशनशिप, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब चीज को ठीक कर सकते हो। ठीक है, राइट। सात चक्रों के बारे में बताऊं तो ये सात चक्र होते हैं, सिर से लेकर आपके सीट तक, और ये मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे। पहला चक्र मूलाधार है और सबसे ऊपर सहस्त्र चक्र होता है। ठीक है, और सात चक्रों में रूट चक्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्टेबिलिटी देता है, ग्राउंडिंग देता है और सिक्योरिटी देता है। अगर ये रूट चक्र खराब हो तो आप लाइफ में बहुत परेशान होते हो, मेनली आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल देखना पड़ता है। ओके, तो जिसको भी फाइनेंशियल स्ट्रगल का प्रॉब्लम है उसका रूट चक्र खराब चल। सकराल चक्र स्वाधिष्ठान नाभि से नीचे होता है, लोअर एब्डोमेन में, क्रिएटिविटी, पैशन और सेक्सुअलिटी का ये सेंटर है, मेनली इमोशन का सेंटर है, इसलिए रिलेशनशिप जिसका खराब है उसको सकराल चक्र हील करना है, जो मैं आपको आरएमपी में करवाता हूँ हीलिंग में। ठीक है, हार्ट चक्र अनाहत चक्र सॉरी सोलर प्लेक्सस बोलते हैं पेट में, मणिपुर चक्र, ये पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के लिए है, जहां पर अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है, लीवर खराब है, पैनक्रियाज खराब है, मतलब डायबिटीज है, बीपी है, बहुत ज्यादा हाई बीपी है, तो उनका मणिपुर चक्र में प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस लूज है, एनर्जी लेवल कम है, तो मणिपुर चक्र में हीलिंग देने से ठीक हो जाए। ठीक है, हार्ट चक्र अनाहत चक्र लव, कंपैशन और इमोशनल बैलेंस के लिए जरूरी है। हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी ने बोला कि अस्थमा का प्रॉब्लम है सांस लेने की, तो उनका लंग्स खराब है, तो कहाँ हीलिंग देना, हार्ट चक्र पे हीलिंग देना। आपके शोल्डर्स में दिक्कत है, फ्रोजन शोल्डर है, हाथ पे हाथों में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द है, तो क्या प्रॉब्लम है, हार्ट चक्र में डिसबैलेंस है। थ्रोट चक्र विशुद्ध चक्र, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन और ट्रुथ के लिए, अगर आप झूठ ज्यादा बोलते हो तो आपको थायराइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन खराब है, आप अच्छे से लोगों से बात नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, तो थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है, थायराइड का दिक्कत हो सकता है, तो यहाँ हील करके उसे बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड आई आज्ञा चक्र इंट्यूशन, इनसाइड और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए है, यहाँ हीलिंग करने से आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस होता है, आपकी माइंड पॉजिटिव होता है, आपकी नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक होता है, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, और क्राउन चक्र सहस्र चक्र स्पिरिचुअल कनेक्शन, एनलाइटनमेंट और उस डिवाइन, उस ऊपर वाला, उस भगवान से कनेक्ट करने के लिए होता है। जब ये हो जाए तो आपका पूरा मोक्ष प्राप्त कर लोगे, बढ़िया हो जाएगा। बट मेनली हम अगर सहस्र चक्र के अलावा नीचे के छह चक्र की बात करेंगे तो आपकी दुनियादारी में, आपकी लाइफ में सारा काम आएगा, इसीलिए मेनली हम थर्ड आई की पूरी हीलिंग करेंगे, विशुद्ध चक्र को ठीक करेंगे, हार्ट चक्र को बेटर बनाएंगे, मणिपुर चक्र को स्वस्थ करेंगे, स्वादिष्टन चक्र को ठीक करके रिलेशनशिप बेटर बनाएंगे और रूट चक्र को ठीक करके फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर बनाएंगे। तो क्या लाइफ ठीक हो जाएगी, यस और नो इन द चैट बॉक्स। हमें लाइफ को जीना है, ये घर बार छोड़ के साधु या साध्वी नहीं बनना है, हमें हिमालय में जाके नहीं बसना है, हमें अपनी फैमिली को चलाना है, बच्चों को बड़ा करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो हम ये सातों चक्रों की हीलिंग करेंगे, लेकिन मेनली हम थर्ड आई से लेकर रूट चक्र की पूरी हीलिंग करेंगे, और हमारे सारे चक्र जब बैलेंस होंगे तो हम अपनी लाइफ को बेटर जी पाएंगे। ठीक है, तो हम रेकी एंड माइंड पावर में जब भी हीलिंग करेंगे, इन्हीं सातों चक्रों को हील करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा, हीलिंग करने से सबसे पहले आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगा। ये आज से ही मैं कुछ शुरू करवाऊंगा, रेकी हीलिंग नहीं करवाऊंगा, लेकिन फिर भी एंजाइटी स्ट्रेस तो आज से ठीक करा, अभी 10 मिनट का एक हीलिंग प्रोसेस करने वाले। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके, आपको इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, आपका जो फिजिकल बीमारी है, कोई भी बीमारी, बीमारी का कुछ भी नाम ले लो मेडिकली,
वो ठीक होगा, आपकी कोई भी पेन है वो रिलीफ मिलेगा, आपके स्लीप जो है, रात की नींद जो है वो इम्प्रूव होगा, और आपके लाइफ में वेल बीइंग डेवलप होने लगेगा। कितने लोग मानते हैं कि आपका नींद ही अगर अच्छी हो जाए, रिलैक्सेशन मिले, पॉजिटिविटी मिले, और रात को अच्छी नींद अगर आपको आ जाए ना, तो आपकी लाइफ कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। लिखिएगा यस इन द चैट बॉक्स। सिर्फ नींद भी आ जाए, आजकल तो नींद का ही प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही अच्छे से। एक तो वैसे ही हम लेट करते हैं, हमको पता नहीं क्या चक्कर है कि हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक जागने की आदत है। सुबह उठना है हमें, ओके, होम मेकर्स को सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर भी रात तक लेट हो रहे हैं। ऑफिस में जाना है, फिर भी लेट करेंगे। फिर बोलेंगे कि भाई हमें 11-12 बजे तक हम फोन में ही स्क्रीन में रहेंगे, तो नींद कहाँ से आएगी? ठीक है, तो मैं कुछ लाइफस्टाइल भी बताऊंगा, कुछ हीलिंग भी बताऊंगा, पॉजिटिविटी दूंगा, और वो आप आज से ही फील करो। इज दैट ओके? राइट राइट। चलो, अब हम लोग ये समझते हैं कि रेकी कैसे मिलेगी। एक खास प्रोसेस होता है जिसको रेकी अट्यूनमेंट बोलते हैं। अटूनमेंट इज ए सेक्रेट इनिशिएशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय अ रेकी मास्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक रेकी मास्टर बैठे हुए हैं, स्वप्ना रानी, वो समझती है अटूनमेंट क्या है। राइट, इट ओपन्स एंड अलाइंस योर एनर्जी चैनल टू द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। जो रेकी है उसके साथ आपका एक कनेक्शन बना देते हैं, और विदाउट अटूनमेंट रेकी एनर्जी आपके हाथों से नहीं निकलेगी। आज जो मैं आपके हाथों से निकाल रहा था वो आपकी पर्सनल एनर्जी प्राण शक्ति है, और क्या अब मैं हीलिंग करवाऊंगा वो भी आपकी पर्सनल एनर्जी प्राण शक्ति से होगा, जो बेसिक 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 है, लेकिन ये भी बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है जो मैंने खुद डेवलप किया है। इसको बोलेंगे ईएमपी टेक्निक, 3 स्टेप ईएमपी टेक्निक से आप 10 मिनट में अपनी एंजाइटी, नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग और अपने फियर या पेन को ठीक कर पाएंगे, जो अभी हम प्रैक्टिस करने वाले, तो बने रहिएगा। ठीक है, और जिनको भी बोनस चाहिए मुझसे, तो व्हाट्सएप में बोनस लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना, ओके, सिर्फ बोनस लिखकर व्हाट्सएप करना, सो दैट मैं वो ऑडियो और आपको वो पीडीएफ भेज सकूं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए। और जो लोग मुझसे अभी जुड़ेंगे उनको मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, फेयर इनफ, राइट, ओके। जुड़ने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वो बता दूं, फिर हम लोग हीलिंग टेक्निक करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं जो सिखाने वाला हूँ आने वाले 1 महीने में, रेकी लेवल 1 टच हीलिंग आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अपने लिए, दूसरों के लिए, डिस्टेंस हीलिंग करवाऊंगा, दूर से ही आप लोगों की कैसे हीलिंग करो, उनकी दर्द बीमारी दूर करो, और मेनली मैं माइंड पावर ट्रेनिंग दूंगा 1 महीने की, जिसमें आप सिर्फ मन में सोचोगे कुछ और सिचुएशंस आपके अनुसार फेवरेबल होगा। दिस इज कॉल्ड मंत्र चैंटिंग टेक्निक, जो मैं आपको 1 महीने के पूरे रेकी एंड माइंड पावर में प्रैक्टिस कराऊंगा, डेली करेंगे और आप रियली एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपको कहाँ मिलेगा? रेकी एंड माइंड पावर के कोर्स में मिलेगा, विच विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट 10x बेटर हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस। ओके, लेकिन लेकिन इसको सिखाने से पहले, पूरे 1 महीने का कोर्स करने से पहले, मैं एक 5 डेज का बेसिक एनर्जी एंड माइंड पावर कोर्स आपको करवाना चाहता हूं, ताकि आप मुझे समझ सको, एक्चुअली करके देख सको कि अगर आप मुझसे जुड़ो, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, ये बीमारी, वो प्रॉब्लम, ये सब कुछ ठीक होगा, तो क्या सचमुच में मैं ऐसा कर सकता हूँ, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी? 5 डेज में आप ये समझ पाएंगे, तो क्या आप करके देखना चाहेंगे ये 5 डेज का बेसिक 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 एनर्जी कोर्स, जिसमें एक छोटा सा अमाउंट लूंगा, वो भी 100% मनी बैक गारंटी के साथ? कितने लोग करना चाहेंगे? लिखिएगा 5 इन द चैट बॉक्स, 5 लिखिएगा इन द चैट बॉक्स, जो अगले 5 दिन तक डेली लाइव करूंगा। आज हो गया, कल 8 बजे, परसों 8 बजे, उसके बाद 8 बजे, संडे तक चलता रहेगा ये। और 5 डेज का कोर्स में आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा, एप्लीकेशन के अंदर होगा, छोटा सा अमाउंट लूंगा, वो भी आपको वापस कर दूंगा अगर आपको समझ में ना आए। लिखिएगा 5 इन द चैट बॉक्स जो लोग करना चाहते, ठीक है। और जो लोग लाइव नहीं कर सकते, डोंट वरी, लाइव में आना जरूरी नहीं है, जो भी सिखाऊंगा वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में होगा, आप देख सकते हो, पूरा वर्कशॉप भी होगा पहले लिया हुआ, वो आप देख लेना, सेम होगा। बाकी आप मेरे साथ करना चाहें तो आपके साथ डेली आऊंगा, आधा घंटा कम से कम हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है, ओके। और लाइव वीडियो में करेंगे, और कई बार हम व्हाट्सएप में लाइव चैट भी करेंगे, ये हम लोग टाइम देख के कर लेंगे, लेकिन सब कुछ आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 5 दिनों में आप सीखेंगे कैसे अपनी नेगेटिविटी को दूर करके आप हैप्पी हो सके, और आप एंड ऑफ दिस वीक लव मैग्नेट बन सके। आपको फील होना चाहिए कि आप एक लव मैग्नेट बन रहे हैं, आपके आसपास वाले आपसे पॉजिटिव वाइब्स फील कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या होगा 5 डेज में देख लीजिए। आज क्या है? पहला दिन,
आप अभी 10 मिनट्स ईएमपी टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? ये 10 मिनट्स अभी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है? और उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप डेली प्रैक्टिस करोगे। कल जो है हम लोग वाटर चार्जिंग टेक्निक सीखेंगे, जिससे आप अपने लिए पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, और आगे जाके सब कुछ मैनिफेस्टेशन होगा। वाटर चार्जिंग का अलग ही एक पूरा सिस्टम, ठीक है ना? डे थ्री आपको रिलेशनशिप को बेटर बनाने का दिन होगा, जब मैं आपको कॉर्ड कटिंग टेक्निक लाइव करके दिखाऊंगा, प्लस मैं कुछ वीडियोस आपको दूंगा। डेली 1 घंटे का वीडियो कंटेंट आपको मिलेगा रिकॉर्डिंग में। डे 4 आपको सीखने को मिलेगा कैसे आप ऑरा क्लीनिंग कर सकते हो, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हो, नेगेटिविटी एंजाइटी दूर कर सकते हो, पेन भी कम होने लगेगा। कितनी देर में? ओनली 5 मिनट्स में। क्या दूसरों की कर सकते हैं? हाँ, आप दूसरों की भी कर सकते हो। हम ये लाइव करेंगे, एंड डे 5 में मैं आपको रेकी एंड माइंड पावर के बारे में बताऊंगा, रेकी हीलिंग कैसे काम करता है। और उस दिन हम 10 मिनट का टच हीलिंग भी प्रैक्टिस करेंगे, कि हम टच करके जब हीलिंग करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, कैसी होती है ये हीलिंग। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको करवाऊंगा, 100% रिकॉर्डेड कोर्स है। टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे रिकॉर्डिंग में देख लो तो कभी भी 1 घंटे का देख सकते हो। अगर आप लाइव करना चाहते हो तो लाइव में, जूम में और व्हाट्सएप में आपके पास आऊंगा। व्हाट्सएप में है तो लाइव चैट में रहूंगा, जिस दिन नहीं हो सकता बता दूंगा, बाकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। और जूम में है तो 8 बजे हम आएंगे ही, या अगले 1 हफ्ते तक चल रहा है, ठीक है? और इसकी जो प्राइस है, अगर मैं बात करूं तो 2100 रुपीज का पूरा एक कोर्स है। मैं आपको सिर्फ 499 में दे रहा हूँ, वो भी 100% मनी बैक गारंटी, जिसमें ये 5ों दिन के अलग अलग सिस्टम पूरी रिकॉर्डिंग में मिलेगी। और आप इसे अभी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको इच्छा हो रही है। और अब हम लोग 10 मिनट्स का एक हीलिंग सेशन करेंगे। एक 5 मिनट का मैं एक छोटा सा क्वेश्चंस आंसर ले लेता हूँ सारे, अगर आपके पास कोई डाउट हो तो क्लैरिफाई कर लो। और बाकी मैं आपको अभी ओपन ओपन और प्रेयर बोल रहे हैं, मैं अभी इमीडिएटली वो सारी चीजें नहीं करवाऊंगा, 5 डेज में कुछ चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है? और ये जो करवा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या करवा रहा हूँ, ठीक है? रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा, और भी कई सारे वीडियोज है, 25 वीडियोज आपको मिलेंगे, बाकी लाइव क्लासेस तो कराएगा, ठीक है? मेरे ख्याल से काफी होता है 500 रुपीज में, वो भी 100% मनी बैक गारंटी के साथ करवा, ठीक है? राइट, ओके। अब क्वेश्चंस है आपके पास कुछ तो प्लीज पूछिएगा, बाकी 10 मिनट का एक हीलिंग सेशन करके ही जाइएगा, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया तो उसको आप करके महसूस करना कि हीलिंग एक्चुअली क्या होती है, ठीक है? और ये विदाउट रेकी है, विदाउट रेकी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और माइंड पावर है। इसको 3 स्टेप एएमपी टेक्निक बोलते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। और मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप 499 रुपीज देकर मुझे चेक करें, देखें कि मैं क्या सिखाता हूँ, कैसे सिखाता हूँ, और उसके बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बाद में रेकी एंड माइंड पावर ज्वाइन कर सकते हैं। पूजा कोठारी प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, इंडिविजुअली जो लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे उन्हें ही मैं डिटेल्स दूंगा, एक बार व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? ये एक लिंक मैंने भेजा है, एक बार मैंने यहाँ पे 3 बार डाल दिया है। ये लिंक को क्लिक करके आप अपने तरीके से जैसे पे करना चाहे पे कर सकते हैं, और पे करने के बाद एक बार व्हाट्सएप जरूर करें, ताकि मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर कोर्स को दे सकूं। कल तो लाइव है, उसके लिए मैं आपको अलग पेड ग्रुप में डालूंगा, और आपको लाइव क्लास का जो कि पेड क्लास होगा उसके आपको लिंक मिल जाएगा जूम में, ठीक है? तो ये लिंक मैंने दे दिया है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, बाकी लिख के रख लेना, मैं आपको बता, ठीक है? और दूसरा भी मैं आपको तरीका बता दूं, अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग हीलिंग करने वाले हैं। पहली बार आप लोगों को मैंने ये व्हाट्सएप नंबर और सेव करने के लिए बोला था, यही व्हाट्सएप नंबर मेरा अकाउंट नंबर है, इसी में पेटीएम, इसी में जीपे, इसी में फोन पे है, तो इसे पेमेंट कर सकते हैं। जो बाहर से है लाइक खुशी जॉर्जिया से है, तो आप वो लिंक से पेमेंट कर सकते हो, और लिंक से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आप वहां से यूज करो आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो पेमेंट करें, फिर भी कोई दिक्कत हो खुशी तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आई विल हेल्प यू, एंड इफ एट ऑल यू वांट टू टॉक आई कैन टॉक टू यू ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? सो जो लोग भी जुड़ना चाहें जुड़े, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्यूआर कोड भी रखा हुआ है, तो क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के लिए आप इसको यूज करें। फिलहाल जिनको भी अभी हीलिंग करनी है, हीलिंग के लिए आपको बता दूं कि क्या अभी हमें करेंगे, हम करेंगे, देखो ये जो 10 मिनट है, पहले ही कह देता हूं कि 10 मिनट में आपकी सारी प्रॉब्लम हील नहीं कर सकते, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस एक इंटरनल हीलिंग रूट कॉज में जाकर ठीक है। अभी मैं 10 मिनट में सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आपकी नेगेटिविटी थोड़ी कम हो,
आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो, आपकी एंजाइटी थोड़ी कम हो, एंड आपको अगर किसी बात का डर लग रहा है वो डर कम हो, और आपका कोई बॉडी पेन हो रहा है, किसी भी वजह से पेन हो सकता है, वो पेन अभी के लिए कम हो जाए और आपको लगे कि हाँ 10 मिनट में इतनी परसेंट तो हीलिंग हो गई। ठीक है, एंजाइटी जिस जिसको हील करना है लिखिएगा, एंजाइटी के लिए ए लिखना, नेगेटिविटी के लिए एन लिखना, फियर के लिए एफ लिखना, पेन के लिए पी लिखना, आपको क्या ठीक करना है एक को चुनिए, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है वो लिखिएगा, एंजाइटी नेगेटिविटी फियर या पेन, जो भी ठीक करना है अपने चैट में लिखिए कि सर ये ठीक करना है, ए एन एफ और पी, ओके जो भी ठीक करना है वो लिखें। थैंक यू सो मच। राइट, और जिसको पे करना है क्यूआर कोड सामने लगा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिंक मैंने लिंक उसमें ग्रुप पे दिया है, आप प्लीज देख लेना, और जो लोग मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप करेंगे उन्हीं को मैं सारा डिटेल्स दूंगा, सो दैट सिर्फ जो लोग इंटरेस्टेड लोग हैं वही लोग जुड़े। ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। ना अब सब लोग आराम से बैठे हैं, एक बार फिर से सभी लोग वीडियो को ऑन करें, ठीक है, और मेरे साथ हीलिंग प्रोसेस को करते हुए आज की सभा समाप्त करें। ठीक है, जिन्होंने भी जुड़ना है एक बार व्हाट्सएप जरूर करें, अपना नाम जरूर लिखें, और 10 मिनट का एक हीलिंग प्रोसेस करेंगे। सभी लोग लिखेंगे, ठीक, वीडियो सभी लोग ऑन करें, जिन लोग भी मेरे साथ अब तक बैठे हुए हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग सीरियस हो और मैं भी सीरियस लोगों के साथ काम करना है, तो एटलीस्ट वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि अब तक बैठे हो और बोर नहीं हो रहा, ये अच्छी बात है। प्रज्ञा अभी तक बोर नहीं हुई, मुझे लगा कि आप कहीं मूवी देखने नेटफ्लिक्स देखने चले गए होंगे, अभी भी बैठे हुए हो, हाँ अच्छा लग रहा है इसका मतलब आपको, है ना। कल से फिर बैठना है आपको, 8 से 9 बजे तक का एक प्रोग्राम रखूंगा, अगर अच्छे ऑडियंस पार्टिसिपेशन रहा तो हम 1 घंटे बैठेंगे, नहीं तो आधे घंटे में एटलीस्ट वाटर चार्जिंग तो आपको प्रैक्टिकली करूंगा। कल जो लोग 499 दे के जुड़ेंगे उनको मैं डेली आपको कल से कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा जो मैं करवाना चाहता हूँ, ये 5 डेज का लव मैग्नेट कोर्स है, ठीक है, तो जो आप करेंगे अगर करना है तो, ठीक है, चलें। सो अब ग्लास ट्रांसपेरेंट की जरूरत नहीं है, ये दिखाने के लिए है, आप ग्लास कैसे भी रख सकते हो, इनफैक्ट पूरी बोतल लेके बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, और किसी भी मटेरियल का चलेगा, डजंट मैटर, ठीक है, किसी भी मटेरियल का होता है, पानी होना चाहिए, वो कल करेंगे, वो कल बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, कल बता दूंगा, कल का क्लास होगा ना, कल बता, ठीक है, पहले 499 दे के जुड़ेंगे और एकदम तसल्ली से बैठना, क्योंकि 499 आप संडे को वापस मांगना तो मैं दे दूंगा, पूछूंगा भी नहीं क्यों मांग रहे हो, वाई नहीं, आप ले लो, मेरे को नहीं चाहिए, लॉ ऑफ कर्मा पे विश्वास करता हूं, तो आप अगर खुश होंगे तो मैं 499 रखूंगा, खुश नहीं होंगे तो वापस दे दूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर गलत आ जाएगा ना, क्योंकि मैं तो वही सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो चिंता नहीं करना, 499 विश्वास करके पेमेंट करना और फिर एक हफ्ता मेरे साथ बिताना, और सही लगे तो फिर हम आगे बढ़े, राइट, सबको समझ में आया ना। अब आराम से बैठे हैं, 10 मिनट की हीलिंग सेशन हम करने वाले हैं, सीधे बैठ जाइए, ओके, जब मैं बोलूं कि हाथों को रगड़ लो तो रगड़ लेना, कर लीजिए, हाथों को कंधे के बराबर फैला लो तो फैला लेना, ऐसे फैला लीजिए, और मैं बोलूं कि आपके हाथ में एक एनर्जी बॉल है, कौन सा बॉल, वही जो आज हमने फील किया, एनर्जी बॉल है, उसे उठा लो, उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठाइए, ऐसे उठाइए जैसे मैंने उठाया, रखिए आंख खोल के देखो, हाँ आंख उठाइए, उठा के मैं बोलूंगा रख दो तो रख दो, ऐसे रख दो, रख दो, हाँ रख दो, हाँ ये अंजलि चला दिया, हाँ सूर्य को पानी चढ़ा दिया, नहीं, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उस एनर्जी बॉल को हम अपने ब्लॉकेज वाली जगह पर रखेंगे, जहां पर आपको एंजाइटी नेगेटिविटी फियर या पेन अभी फील हो रहा है, हम उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में उस एनर्जी बॉल को रखेंगे, कैसे वो मैं बता दूंगा, बस मेरे आंख बंद होगा तो मैं बोलूंगा हाथ को ऐसे कर लो, एनर्जी बॉल को उठाओ और रख लो, इतना करें, ठीक है, चलेगा, समझ में आया ना, इतना ही करना है, बाकी तो मेरा काम है ना, सब कुछ आप कैसे कर लोगे, ठीक है, मैं करूँ, चले आराम से बैठिए, अब आप आंख बंद कर सकते, एवरी वन प्लीज क्लोज योर आईज फॉर फॉर दिस लाइव डेमो ऑफ
3 स्टेप EMP टेक्निक, जिसका मतलब है एनर्जी एंड माइंड पावर टेक्निक। मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ बढ़िया एक एक्सरसाइज 10 मिनट का, जहां आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज में हीलिंग महसूस होगी, शायद 30, 40, 50% या 80, 90, 100% तक हो सकता है जो अभी। और इसको मैं रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, आप उसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, दूसरों के लिए भी कर सकते हो, वो भी बाद में, ठीक है। चलो, सो रीढ़ की हड्डी सीधा, आंखें बंद कर लीजिए, प्लीज क्लोज योर आईज, आराम से हाथ को एकदम छोड़ दीजिए गोद के ऊपर, ओके, कुछ अभी हाथ वाथ रगड़ना नहीं, बस ऐसे छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए, ठीक है। 3 लंबी गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब आप कल्पना करें कि आपके पैर के तलवे एकदम रिलैक्स हो गए हैं, सुन्न हो गए, सिर्फ कल्पना करें, पैर के तलवों को थोड़ा फील कीजिए और उसे वैसे ही छोड़ दीजिए जैसा है, उसको हिलाना नहीं, डुलाना नहीं, और अपना ध्यान पैर के तलवों पर, सोल ऑफ द फीट पर लेके जाएं एंड फील करें कि वो रिलैक्स हो गए, एंड उस रिलैक्सेशन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाना है, और फील करें कि रिलैक्सेशन अब आपके काफ मसल्स पर आ गया है, आपके काफ मसल्स एकदम रिलैक्स है। धीरे धीरे यह रिलैक्सेशन अब आपके नी से होते हुए थाइस पर आ गया है, आपके दोनों थाइस के मसल्स एकदम रिलैक्स हैं, ढीले हो गए हैं, कमर से नीचे आपका पूरा पैर एकदम रिलैक्स है। अब यह रिलैक्सेशन कमर से होते हुए ऊपर की तरफ पेट में आ गया है, आपका पूरा एब्डोमेन एरिया एकदम रिलैक्स है, एब्डोमेन के हर मसल्स एकदम ढीले हो गए हैं, रिलैक्स। अपना ध्यान हर एक उस जगह पे लेके जाए जहां मैं लेके जा रहा हूं। अब आपका रिलैक्सेशन आपके छाती से होते हुए कंधों पर आ गया है, आपके दोनों शोल्डर्स ढीले हो गए हैं, तो अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, अपना ध्यान कंधों पर लेके जाए, रिलैक्स करें। अब आपके जो रिलैक्सेशन है आपके आर्म से होते हुए हैंड्स पर आ गए हैं, आपके दोनों हाथ भी रिलैक्स है। अब ये रिलैक्सेशन आपके सिर के ऊपर से माथे पर आ गया है, आपका फोरहेड रिलैक्स है, आपकी दोनों आंखें रिलैक्स है, आपके चेहरे एकदम रिलैक्स है, आपका पूरा बॉडी रिलैक्स है। अब आप कल्पना करें कि आप जहां बैठे हैं उसके ठीक बाहर से आप खुद अपने आप को, अपनी बॉडी को देख पा रहे हो, सोचो कि आप बाहर हो और सामने आपका बॉडी है, सिर्फ कल्पना करो कि देखो आपका बॉडी बैठा हुआ है, क्या कौन से कपड़े पहने हैं, देखिए तो कल्पना में कौन से कपड़े पहन रखे हैं आपने, टी शर्ट पहने हैं, शर्ट पहने हैं, कोई सूट है, साड़ी है, क्या है, कौन सा कलर है, जस्ट इमेजिन करो, ओके, अपने चेहरे को देखो, अपने आंखें बंद कर रखी है, कैसे दिखते हो आंख बंद करते हो, सिर्फ कल्पना करो और फिर देखो अपने चेहरे को अच्छे से, तो आपको दिखाई देगा कि आपका चेहरा एकदम शांत है, एक अलग टाइप की शांति छाई हुई है, आपका पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स है, एंड एक कहीं जगह पर आपको दिक्कत हो रही है, कुछ एनर्जी ब्लॉकेज है, काला काला कुछ धब्बा है, नेगेटिव एनर्जी है कहीं पे, चाहे वो आपकी एंजाइटी हो, नेगेटिविटी हो, फियर हो या फिर पेन हो, बॉडी में कहाँ पर पेन है, अगर है तो पेन वाली जगह पर ध्यान लेके जाए, अगर आपको एंजाइटी है तो छाती पे ध्यान देना, चेस्ट पे, अगर आपको नेगेटिविटी है तो अपना ध्यान दिमाग में लेके जाना, और अगर आपको एनी काइंड ऑफ अ फियर है तो आपके पेट में, एब्डोमेन में एनर्जी को फील करना, तो वो जो एनर्जी ब्लॉकेज है अभी उसी जगह पे है, जो भी आपका प्रॉब्लम एरिया है उसे देखना शुरू करें, इनफैक्ट घूरना शुरू करें, देखते रहिए वो एनर्जी ब्लॉकेज, अच्छा ऐसी कलर में काला काला दिखता है, ओहो कितना छोटा कितना बड़ा दिख रहा है, सिर्फ कल्पना कर, कोई शेप है क्या उसका, गोल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्टार शेप का है, कैसा दिख रहा है, कोई शेप है उसको भी इमेजिन करो, जो भी आपके पिक्चर माइंड में आए आप मान लेना कि सही है, क्योंकि आपकी खुद की आत्मा आपको बता रही है जो सच है, तो
आपके उस बॉडी पार्ट में वो एनर्जी ब्लॉकेज उस काले रूप में, छोटे बड़े आकार में, उस शेप में देख लिया आपने। अब आप एक काम करो, अपना एक हाथ को उठाओ जो आपका डोमिनेंट हैंड है, और उस जगह को छूने की कोशिश करो, हाथ को लिटरली वहां लेके जाओ। आप तो बाहर हो, बॉडी में उस जगह को टच करो। कौन सी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, आप हाथ को लिटरली लेके जाओ और लेके जाकर उसे टच करके फील करो कि आपको उसका टेक्सचर कैसा लगा। गीला लगा, खुरदुरा लगा, क्या लग रहा है आपको, कैसे चिपचिपा लग रहा है, क्या लगा आपको छूने पर, उसका टेक्सचर कैसा है ब्लॉकेज का। और जो भी आपने फील किया फिंगर से, उन फिंगर्स को अपने नाक के पास ले जाओ और लंबी गहरी सांस लेकर सूंघो। हाथ को नाक पे ले जाके सूंघो, सूंघिए कैसा लगा आपको उसका स्मेल, गंदा सा स्मेल कर रहा है क्या, खट्टा सा है क्या, क्या स्मेल लगा। जो भी आपको लगा अपने दिमाग में रजिस्टर करो, राइट। अब ये प्रॉब्लम है आपका, जो मेन ब्लॉकेज है, जो दिक्कत दे रहा है। अब इसे हील करना है, दोनों हाथों को रगड़ लो, इसे हील करना है, दोनों हाथों को रगड़ना शुरू करो, मन में भाव करो, संकल्प करो कि मुझे इसे अभी हील करना है, इसे अभी यहां से भगाना है, ऐसे कैसे मुझे तंग कर रहा है। हाथों को रगड़ते रगड़ते मन में भाव कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और हाथों को कंधे के बराबर फैला लो, हाथों को कंधे के बराबर फैलाओ, एल्बोस को बॉडी से खड़ा कर लो, टच कर लो, और कल्पना करो कि आपके हाथों के बीच में हीलिंग एनर्जी बन रही है, और वो हीलिंग एनर्जी हाथों से निकल के एक बॉल के रूप में आपके हाथों के बीच में आ रही है। एक एनर्जी बॉल है, सिर्फ कल्पना करो, व्हाइट कलर की हीलिंग एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी बॉल को उठाइए, लिटरली उठाइए उसे। उठाने के बाद उस एनर्जी बॉल को आप वहां रख दीजिए जहां आपको वो प्रॉब्लम लगा, रख दीजिए उसे। रखने के बाद हाथों को अपने गोद के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने हाथों को थाइस के ऊपर छोड़, और एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा करके रिलैक्स होके बैठे। अब आप सिर्फ कल्पना करें कि जो एनर्जी बॉल आपने उस ब्लॉकेज के ऊपर रखा है, वहां उसने हीलिंग करना शुरू कर दिया। व्हाइट कलर की एनर्जी अंदर ही अंदर घुल रही है और वहां से काला काला धुआं निकल रहा है। सिर्फ कल्पना में देखो कि वो नेगेटिविटी, जो ब्लॉकेज है, वो काले काले धुएं के रूप में निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। और जैसे जैसे आप उसे देखते जा रहे हो, वाइट हीलिंग एनर्जी काम कर रही है, काला धुआं कम होने लगा है। अब तो देखो पूरी तरह से छट गया है। अब देखो वहां कोई काला धुआं नहीं, वहां पे सिर्फ वाइट डिवाइन एनर्जी है, एकदम रोशनी वाला, आपकी आंखों में वो फील हो रहा है व्हाइट एनर्जी। और वो एनर्जी अब धीरे धीरे आपके आसपास पे अंगों में फैलते हुए अब आपके पूरे बॉडी में फैल, देखो आप सिर से लेकर पैर तक व्हाइट हीलिंग एनर्जी के साथ है। आपका पूरा बॉडी जैसे ट्रांसपेरेंट हो गया, सिर से लेकर पैर तक व्हाइट डिवाइन हीलिंग एनर्जी के साथ है। वो हीलिंग कर रहा है, आपके अंदर की ब्लॉकेजेस को दूर कर रहा है, और देखिए आप पूरी तरह से क्लीन हो गए। और फिर वो एनर्जी अब आपके ऑरा में फैल, देखिए आपके चारों तरफ ओवल शेप में एक एनर्जी फील्ड है, और वो भी वाइट हीलिंग एनर्जी से भर गया है। चारों तरफ आप उसे फील कर सकते हो, हल्का सा सिर घुमा के आगे पीछे, आंखों में आपको वो वाइट एनर्जी महसूस होगी। चारों तरफ से अंधकार आपको घेरे हुए है। अब वो कह रही है कि आप अब अंदर से पूरी तरह से क्लीन है, नेगेटिविटी भाग गई है, ब्लॉकेज दूर हो गया, और आप बाहर से सुरक्षित हैं क्योंकि आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिला हुआ है इस पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी के रूप। अब उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए जो आपने अभी 10 मिनट पहले बताया, एंजाइटी, नेगेटिविटी, फियर, पेन, कितना परसेंट कम हुआ है। खुद एसेस करो अपने आप, आंख बंद करके सोचो, अरे हाँ वो तो थी तो प्रॉब्लम, कितना ठीक हुआ, वो परसेंटेज सोचिए, 30, 40, 50% या 80, 90, 100%, जो भी आपको परसेंटेज माइंड में आया, अपने हाथों को जोड़ लीजिए छाती के बीच में, अपने उस डिवाइन एनर्जी को थैंक यू बोलिए, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग, थैंक यू फॉर द हीलिंग। चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, आंखों पर हाथों से ढक लें, हाथों को हटाकर आंखें खोलें, और मुस्कुराहट के साथ लिख के बताएं कि आपके परसेंटेज ऑफ हीलिंग आपको कितना महसूस हुआ, कितना पॉजिटिव फील, कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, परसेंटेज लिखिए अंदर चार्ट। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस 3 स्टेप EMP टेक्निक, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जो भी 499 रुपीज देकर जुड़ेंगे उनको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा फॉर
टेलिंग अस कि आप 100% हीलिंग महसूस कर रहे हैं, बल्कि जो 60% निशा बोल रहा है, आई फील लाइक दैट्स वेरी फाइन एंड वेरी गुड, सभी लोग लिख के बताएं। एंड अब आपको 5 days का, इनफैक्ट 1 हफ्ते का कोर्स मेरे साथ करने का मन कर रहा है, वो भी मात्र एक पिज्जा के प्राइस में, $4.99, वो भी मैं आपको संडे को वापस कर दूंगा। आप आराम से पिज्जा मंगा के खा लेना, लेकिन 1 हफ्ता मेरे साथ बिताना, मैं ये चाहता हूँ। ओके, 90% हीलिंग पुष्पा को, वेरी गुड पुष्पा, ऐसे ही क्लास में आते रहो, आपका पूरा बैक पेन ठीक कर दूंगा, ठीक है? चलो, एंड स्वप्ना रानी 100% हीलिंग, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, सो आप सब लोगों को बहुत सारी बधाई। करीब करीब 2 घंटे होने जा रहे हैं, और मैंने आज आपको जो भी बताया, जो भी सिखाया, ये सिर्फ एक डेमो है। मैं इससे बहुत बड़ी चीज सिखा सकता हूँ, रेकी एंड माइंड पावर, अट्यूनमेंट दे सकता हूँ, सिंबल्स दे सकता हूँ, टेक्निक दे सकता हूँ। 3 महीने तक आपको पूरा हेल्प करूंगा, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप अपनी ठीक करके अपने फैमिली मेंबर्स को ठीक कर सकते हो, कल कल जाके सोसाइटी में लोगों की मदद कर सकते हो, आप चैरिटी में फ्री में भी हीलिंग कर सकते हो, आप चाहे तो प्रोफेशनली भी हीलिंग कर सकते हो। ये हर तरीके से मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगले 1 हफ्ते में आप मुझे और अच्छे से जानो, अच्छे से देखो, समझो, परखो और इसे करके देखो, ताकि आपको पता चले कि आप सही टीचर और कोच के साथ हैं और आपकी प्रॉब्लम सचमुच में यहाँ सॉल्व हो सकती है। सबको समझ में आया? थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी 1 हफ्ते के कोर्स करने के लिए आपको सिर्फ $499 इन्वेस्ट करने हैं, जो आपको 100% मनी बैक गारंटी के साथ मिल रहा है। 5 days में आपको डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, अलग अलग हीलिंग टेक्निक। कल से शुरू करेंगे, कल हम वाटर चार्जिंग से शुरू करेंगे, बाकी मैं आपको गाइड कर दूंगा। संडे तक डेली हम मिलने वाले। जो मिलना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, पेमेंट करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जीपे, फोन पे और बाकी चीजें अवेलेबल है। और लिंक चाहिए तो लिंक भी मैं आपको अभी फ्रेशली डाल दूंगा और आप चल सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, सो सी यू इन माई 5 days कोर्स, एंड आपसे वही बात करूंगा। और जो लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे, एटलीस्ट बोनस लिखकर करें, तो मैं आपको बोनस जो आपको बताया था वो मैं आपको दे दूँ, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, रेक यू ब्लेस यू। ओके।